सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदौसी में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संचारी व दस्तक अभियान की सफलता हेतु प्रशिक्षण कराया गया, जिसमें सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के इंचार्ज उपस्थित रहे। सभी विद्यालयों में स्वच्छता नोडल अपने अपने विद्यालयों में शेष अध्यापकों को प्रशिक्षित करेंगे। सभी अध्यापक अपने अपने विद्यालय में विभागीय माइक्रो प्लान के अनुसार कार्य करें। जागरूकता हेतु कम्युनिकेशन गतिविधियाँ करें, जैसे छोटी छोटी वीडियो बनाकर मदर्स ग्रुप में शेयर करें। मच्छरों से बचाव के लिए प्रेरित करें। किशन गोपाल शर्मा ने पिछले संचारी दस्तक अभियान का मॉनिटरिंग फेसबुक पर शेयर करते हुए सुझाव दिया कि सभी स्कूलों में संचारी अभियान के माइक्रो प्लान होने चाहिए, जिसमें कि माइक्रो प्लान के अनुसार जागरूकता गतिविधियां कराई जा सके। डॉक्टर हरवेंद्र सिंह ने सभी नोडल टीचरों को संचारी रोग के बारे में एवं इन संक्रमण रोगों से बचाव के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया और कोविड-19 के टीकाकरण के बारे में भी अध्यापक बंधुओं से चर्चा की। बताया कि अब 12 से 14 वर्ष के बच्चों के कॉमेडिकाकरण में हम सभी को तेजी से तेजी कार्य योजना के अनुसार कार्य करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आज संचारी रोग नियंत्रण के लिए आपने यहाँ पर टीचरों को बुला के कुछ समझाया है, क्या है पूरा मामला? ये हमारा संचारी रोग एक बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, संचारी रोग नियंत्रण, जिससे कि यहाँ पे सभी चिकित्सा मतलब शिक्षा विभाग से सारे जो यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल हैं उनके सब प्राध्यापक मेरे सामने आए हैं, साथ आए हैं, और इनको मैंने जागरूक किया है, बताया कि अपने स्तर से ये बच्चों को किस तरीके से साफ़ सफाई के बारे में, अपने आसपास के वातावरण को किस तरीके से सुरक्षित और साफ रखें, तो किस तरह से विशेष ध्यान देना है इन सब चीज़ों इसमें। खास तौर से जैसे कि कई नालियां हैं, जैसे घर के वहाँ नालियों में पानी नहीं रुका रहना चाहिए, पूरे बाजू की शर्ट का जैसे बुशर्ट का उपयोग करें सुबह शाम, खास तौर जब मच्छर ज़्यादा निकलते हैं, खास तौर से मच्छरदानी का उपयोग करें, या जो क्रीम आती है बाजारों में उन क्रीम को उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि मच्छर, क्योंकि खास तौर से रुके हुए पानी में जहाँ पे कि एंटी लार्वल का अगर छिड़काव, अगर नगर पालिका से हमारी बात हो गई है, कल उनके यहाँ प्रोग्राम हुआ था, वो एंटी लार्वल जहाँ जहाँ रुका हुआ पानी वहाँ पे छिड़काव भी करेंगे, नाली की साफ सफाई का भी ध्यान दिया जाएगा। और हमने चंदौसी के कुछ इलाके भी चिन्हित कर लिए हैं SDM साहब के साथ मिलके, जिन इलाकों पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा और उनको खासतौर से साफ सफाई में जागरूक भी किया जाएगा और उनको एंटी लार्वल और साथ वहाँ की सफाई के बारे में उन्हें बताया जाएगा।